एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रो पार्ट रहेगा पूरा ये। अच्छा अब एक हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आएंगे बहुत लेंदी लेंदी, कैलकुलेशन है, लॉजिक नहीं है, तो सारे क्वेश्चन की उम्मीद मत करना बिल्कुल भी। इसीलिए इंट्रो पार्ट को अच्छे से समझ लो। हेड क्या कि इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शन है जिनका यार इंटीग्रेशन करने में बड़ी दिक्कत हुई लोगों को, तो उनको अलग से क्लासिफाई कर दिया कुछ इस टाइप के कि इंटीग्रेशन 1/(x²-a²), 1/(x²+a²), 1/(a²-x²), इन पर रूट लगा दिया। मैं इस टाइप के 5-6 फंक्शन हैं जिनका एक अलग तरीके से आपको इंटीग्रेशन, तो आप लोग याद कर लो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log(x-a)/(x+a)+c। लेकिन हम लोग ऐसे याद नहीं करेंगे, हम करेंगे इनका प्रूफ। क्या करेंगे इनका? अगर हमने प्रूफ कर लिया तो ये मान लो कि हमको इनके अंदर तक की सारी बात समझ आ गई। ठीक है, याद तो देखो आपको करना है। दूसरी चीज, इसमें क्लास 10th का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब CBSE वाले कितने चालाक हैं, आकर देखना 10th में तो हटा दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बट उनको पता है कि इंपॉर्टेंट है, तो ना कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ से हटा दो, 12th में तो बालक पढ़ेगा। तो अल्टीमेटली पढ़ाना आपको सब कुछ है, इस तरीके से सिलेबस को रिड्यूस किया कि आगे जाके पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, तो सिलेबस रिड्यूस कुछ नहीं, ये मान के चलो। चलो आ जाओ भाई साहब, इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा मजा आने वाला है। कैसे करेंगे देखो, इंटीग्रेशन 1/(x²-a²). चलिए जी, क्या मैं x²-a² को x-a और x+a लिख सकता हूँ? ये तो फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 6, 7, 8 में। चलो अब इसका जो प्रूफ है ना, इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका प्रूफ आपको याद दिलाएगा एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22 जो कल हम लोगों ने किया था। क्या ऊपर वन है, क्या जुगाड़बाजी करें, देखो जरा ध्यान से। मैंने क्या किया, x+a - x-a कर दिया। आप कहो सर क्यों किया, समझो जो नीचे था वही ऊपर हमने लिखे, x+a - x-a, ऐसी कुछ जुगाड़बाजी की, अब जो ना कैंसिल हो जाएंगे ये, तो ये x-a हो गया, माइनस के अंदर एंट्री हुई, x किसका हो गया, माइनस के x से प्लस x कैंसिल, माइनस के अंदर एंट्री हुई a हो गया, a और a 2a हो गया, तो ऊपर 2a आया तो नीचे भी तो 2a आना चाहिए, तो इसलिए 1/2a दिखने लगा, बहुत खुशी की बात। अब इसको सेपरेट करके लिख दो, कैसे, x+a का डिवाइड इसके साथ, माइनस इसका डिवाइड इसके साथ। ठीक है, तो x+a - x-a/, तो x-a से x-a के, x+a से x+a, क्लियर है? क्या बच्चा हमारे पास 1/2a, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, 1/(x-a)dx, 1/(x+a), क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो अब सारे बच्चे खैर देखते हैं आंसर बता देंगे। 1/(x-a) का क्या होगा, लॉग ए, क्योंकि 1/(x) का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो 1/(x) का क्या होगा, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स, फिर x का 1 उसे ऐसे ही रहने दो, माइनस ऐसे इसका क्या होगा, सॉरी। ठीक, चलो जी, अब इनका माइनस हो रहा है, लॉग में जब माइनस होता है तो क्या होता है, डिवाइड, आंसर आ गया, तो 1/2a log(x-a)/log। अब एक बात सुनो यार, मॉडुलस लॉग में लगा दिया जाता है, क्यों लगा दिया जाता है, ये अलग अलग है, इसको एक साथ लिख दो, बात एक ही है, तो 1/2a log, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन 1/(√x²-a²), एक का प्रूफ बता दिया, एक का प्रूफ बता दिया आपको। ऐसी दो फॉर्मूले का आपको खुद से कर लेना है, वो क्या है मैं लिख देता हूँ बस। अब एक आपको ऐसे मिलेगा 1/(a²-x²), उल्टा हो गया बस ये, a²-x²dx का, तो इसका क्या होता है, इसका होता है 1/2a
log a, एक बार चेक कर लेना, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। और एक होता है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है वन अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। अब ये फॉर्मूले वगैरह आपको याद, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो ये तीन एक जैसे हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप बताओ, तीन एक जैसे हो गई है। अब एक बार अंडर रूट वाले देख लेंगे, ठीक है, ये तीन एक जैसे हो गए, एक का प्रूफ कर लिया, समझ लो आपने इन दोनों की प्रूफ कर ली, कंसेप्ट वही है, कोई ज़्यादा अलग लॉजिक नहीं, ठीक है। चलो अब अंडर रूट वाला देखेंगे, अब आ जाइए एक आपको वही तीनों जो थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स बस स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यार इसके लिए देखो वही चैप्टर टू में जाना पड़ेगा, मैं एक बार लास्ट बार फिर से बता दूँ, अगर कहीं लिखा हुआ है जैसे मान लो वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब कभी आपको ऐसे मिलती ही बातें, अगर ये वाला केस मिलता है तो ऐसे में एक्स की जगह पुट कर दिया करो सेक थीटा या टेन थीटा, कुछ भी पुट करो सेक या टेन कुछ भी पुट कर सकते, क्यों एक बात सुनो, अगर टेन पुट किया तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सीधे आंसर आ जाएगा। माइनस में है तो एक्स की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा, ठीक है, ओके। अगर ऐसा मिलता है आपको तो आपको पुट कर देना है x की जगह क्या पुट करोगे, a आ गया तो a पुट कर देना बस, a sec थीटा या फिर a tan थीटा, मतलब है ऊपर वाले ही यही वाले आंसर है, a लगा देना आगे, ऐसे यहाँ पर क्या पुट कर देना a की जगह पर a सॉरी x की जगह पर a sin थीटा फिर a cos थीटा। अगर कहीं पर ये मिल जाता है आपको जैसे 1 माइनस एक्स या a माइनस एक्स, अगर ऐसे मिल जाते हो 1 माइनस एक्स मिल जाए तो ऐसे में पुट कर दो भाई साहब x की जगह cos 2 थीटा या cos थीटा, क्यों समझो बात को, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जिससे 1 कैंसिल हो जाएगा, होता है ना हमारे पास, इसलिए ये मिल जाए तो पुट कर दो x की जगह a cos 2 थीटा और a cos थीटा। ये बात है चैप्टर 2 में बताई गई है, मैंने बहुत अच्छे से बताई थी, याद कर लो यार, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन में भी यूज़ है, इंटीग्रेशन में भी यूज़ है, चैप्टर टू में भी यूज़ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब देखो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कुछ इस टाइप का मिल रहा है, ये देखो कुछ इस टाइप का ही तो है ना, तो हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे ए साइन थीटा या फिर एक्स की जगह ए कॉस थीटा, क्लियर है। लेकिन अब देखो यहाँ थोड़ा फंसेंगे हम लोग, क्या फंसेंगे देखना जरा, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लीज़ बात नहीं करेंगे, बात हो रही है आकाश रूट की, समझ ना, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना चाहूँ तो अंदर माइनस नहीं आ जाएगा, यस और नो, और रूट में माइनस नहीं होता है, बात बिगड़ जाएगी। तो अब लोग कैसे पुट करते हैं देखेंगे, पहले ये जितनी बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। अब देखो हटा दूँ मैं इनको कि लिखोगे इनको, पहले लिख लो जल्दी, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, लिख लो इसको, देखो इधर आ जाइए भैया, प्लीज़ बात नहीं करेंगे, आ जाओ देख लो इधर, मैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगाता हूँ कि मैं करता हूँ एक्स की जगह ए तो कर ही दो, ए है तो ए तो करना ही है, और सेक थीटा, अब आप कहोगे सर सेक क्यों पुट किया, हमें भी नहीं पता, अभी देख लेंगे, आ जाओ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, करो एक्स की जगह ए स्क्वायर कॉमन लो, अंदर क्या बचा, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस बन गया, होता है क्या होता है, आ गया ना मामला, देखो फिट एकदम। अगर हम लोग और कुछ चीज़ें पुट करते तो माइनस आ जाता अंदर, तो ये बस प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो मैंने कर दिया एक्स, शांत रहेंगे, एक्स की जगह ए सेक थीटा, तो चलो डिफरेंशिएशन करो, तो डी एक्स बराबर ए सेक थीटा का सेक थीटा इंटू इंटू टेन थीटा और डी थीटा, क्लियर है। चलो जी आ जाओ, तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे ए सेक थीटा इंटू, कोई दिक्कत, अब समझना यहाँ से अच्छे से क्या चीज़, ए स्क्वायर रूट के अंदर बाहर आएगा तो ए आ जाएगा, ठीक, अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वो क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, फिर वो क्या हो गया टेन थीटा,
और ये है a sec थीटा इंटू, तो tan a ये चला गया, कितना बचा sec थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा। किसका बता दिए, किसका बता दिए आप? अगर हम पूछ पूछ के क्वेश्चन करें तो एक घंटे में ना हो पाए, इतने ब्रेक लगेंगे। देखो sec थीटा इंटू log sec थीटा प्लस प्लस सी, ठीक है, ये तो होता है आकाश, ठीक है। अब सुनो यार जरा, लेकिन सर इधर क्या लिखा है, इधर क्या बवाल हो रहा है, इधर देखो, तो देखो भैया कुछ नहीं हो रहा, आंसर आ गया तुम्हारा log sec थीटा को क्या लेट किया था हमने, x अपॉन a लिख सकते हैं, बताओ ना, x अपॉन a प्लस सर tan थीटा को क्या करना, कुछ कोई टेंशन नहीं लेनी, इधर आ जाओ, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में tan थीटा, बताओ ना। तो sec थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, x अपॉन a, तो अंडर रूट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, ठीक। एलसीएम लो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए रूट से बाहर आ जाएगा, कितना आ गया, ए आ गया, तो रख दो वैल्यू प्लस यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक। अब कहो सर यहाँ तो ए नहीं आ रहा यार, यहाँ कैसे आ रहा है, लॉग में जब डिवाइड होता है तो ओपन होके क्या होता है, माइनस, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का log a प्लस सी। देखो log a कॉन्स्टेंट, c भी कॉन्स्टेंट, क्या इसकी जगह मैं एक बड़ा वाला c लगा सकता हूँ, खत्म, ठीक है, हैं? माइनस सी को हम प्लस सी भी लिख सकते हैं, आप कहोगे सर कहते हैं, देखो इसका खेला समझो, है तो कॉन्स्टेंट ही, अब ये सी नाम को पता ना आपको पता क्या, लॉग ए, अब इसके साथ कुछ भी ऐड प्लस करो आएगा कोई ना कोई कॉन्स्टेंट, अब माइनस सी उसे प्लस सी लगा दो, क्योंकि जैसे आकाश ये कह रहे, जैसे आपने ये सी लिखा, आप इतना बता दो उनको, वेयर, इसको सी वन दे दो, वेयर सी वन इज इक्वल्स टू सी माइनस का लॉग ए, इतना बताना चाहो बता दो। अच्छा जी, अब देखो जरा की अंडर रूट में दो और बच्चे, वो आप खुद से करेंगे, पहला है तो बता दिया, दूसरा ये रहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं बेटे, ये फॉर्मूले जितनी जल्दी याद होते हैं उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं, रिवीजन नहीं होता इसलिए, ठीक है, याद रखना ये, तो वन अपॉन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, चेक कर लेना बस कोई बालक, इसका होता है लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, छः के छः फॉर्मूले हो गए, अभी इंट्रो चल रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया मैंने, ठीक है, अब सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब देखिए जितना हम लोगों ने पढ़ा है, अब उसके क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया एक नंबर में, ये ही क्वेश्चन आ गया चार नंबर में, ठीक है, समझते हैं। अब ये तो यार पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सिंपल है, हमारे फॉर्मेट बन गए एक्स स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्या ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो ये क्या होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन, अब कंपेयर करना सीखो, ए की जगह क्या पुट करो 4, तो बस कर दो 4 टू जा 8 लॉग एक्स माइनस 4 अपॉन, खत्म, ये आंसर आ गया तुम्हारा। अच्छा लेकिन अगर ये आ गया क्वेश्चन, अब समझना इस टाइप का हमने पढ़ा ही नहीं है, यहाँ क्या था, हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कंप्लीट स्क्वायर है, देखो ये अपना कंप्लीट स्क्वायर है, ये अपना कंप्लीट स्क्वायर है, बट यहाँ पर क्या भाई साहब स्क्वायर नहीं बन रहा है, अब जुगाड़बाजी करेंगे कि इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें, सारे बच्चे देखें जरा, 3x स्क्वायर प्लस का सबसे देसी मेथड ये, एक लाइन में कैसे आगे समझना, अब ज़्यादा डीप में नहीं बताएंगे, केवल कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंसेप्ट समझो, बस नियम कहता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का जो, या वो 1 हो या फिर वो 4 हो 9 हो 16 हो 25, कहने का मीनिंग है एक कंप्लीट स्क्वायर हो, बट यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है, और या तो 1 हो या 9 हो या 16,
तो एक काम करो, या तो 3 से डिवाइड कर दो तो देखो भाई साहब 1 हो जाएगा, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करें बताओ आप लोग, जो बताओ मल्टीप्लाई कर लो। चलो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 9x² और 3 × 39 और ये 30, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब अगली लाइन जो मैं लिखूँ उसको समझना भाई अच्छे से, क्या पढ़ा बताओ, छेक दिया, कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ें, मैंने इसलिए भगवान की होती होती है कुछ नहीं होता है। चलो आ जाओ 9x² 3x का अगली लाइन से सोना बहुत प्यार थे, प्लस का है प्लस लगा दो, 2 अपनी तरफ से लिख दो, क्यों लिख दो सर अपनी तरफ से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो 2 आता है ना वो फॉर्मूले में पहले से होता है, तो 2 अपनी तरफ से लिख दो, ठीक, जो इसके अंदर ऐसे लिख दो 3x। अभी कितना हो गया भाई साहब 6x, लाना क्या था, तो एक बात सुनो, क्या हम यहाँ पे 13/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 13 × 3 = 39, तो जिसका आपने अलग से मल्टीप्लाई किया उसी का स्क्वायर एक बार प्लस कर दो और उसी का स्क्वायर एक बार और माइनस का 30 है। इस लाइन में और इस लाइन में कोई भी अंतर नहीं है, सेम है, ये सब तो देसी तरीका है बस a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने का। तो अब देखो 1/3, ये 3x है, ये 13/2 है, तो ये इसका बन गया होल स्क्वायर माइनस, अब ये भी किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनेगा, देखो माइनस का 13/2 का होल स्क्वायर है तो 169/4 माइनस का 30। चले काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर प्लस रहेगा, 4 एलसीएम आया 169 और 4 × 3 = 12, तो ये कितना हो गया भैया 289/4 और 289 किसका होता है 17 का, ये किसका होता है 2 का, क्या चमका ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो क्या हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं, बस अब आंसर आ गया तुम्हारा 1/3 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है 3x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर माइनस 17/2 का। अभी तो इसी की फॉर्मेट में बन गया, x था ये पूरा x हो गया, ठीक, और ये पूरा क्या हो गया a हो गया, तो चलो फॉर्मूला वही रहेगा 1/2a, तो 1/2a ए की जगह पुट करेंगे 17/2, ठीक है 1/2a, ठीक है फिर आ जाओ log x माइनस तो x कितना है 3x प्लस 13/2 माइनस a 17/2 अपॉन log x प्लस a 3x प्लस 13/2। अब एक बात समझना, अभी आंसर नहीं आया, हमने इस पूरे को क्या मान लिया था x, इसका भी तो होगा डिफरेंशिएशन, नहीं चमका, हमने इस पूरे को x माना था ना यार, तो इस x का भी तो होगा 3x का क्या हो गया 3, तो वो किस में जाता है डिवाइड में, जिसको लेड करते किस में जाता है वो डिवाइड में, किस में जाता है वो, लेकिन ये ऊपर हमारे पास पहले से 3 बैठा है तो इससे क्या होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज योर आंसर, 2 से 2 कट गया तो 1/17। अब कैलकुलेशन है कि भाई साहब इसको माइनस कर लो ऐड कर लो, मैं इतना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट जो समझने का था वो समझो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में था, थोड़ा फास्ट बता दिया कंप्लीट स्क्वायर आ गया होगा समझ में क्योंकि 10th में पढ़ चुके ना हम लोग, तो ये है। अब एक लास्ट टाइप का और क्वेश्चन बनता है, देखो आकाश जब ऊपर 1 बनता है, 1 होता है केवल 1 होता है तभी वो 6 फॉर्मूले जो हमने ना पढ़े हैं तभी यूज होते हैं वो, अगर ऊपर बाई चांस किसी ने ये लिख दिया मान लो 2x + 3 अगर 1 है तो क्वेश्चन 3 नंबर का और ऊपर कुछ लिख दिया तो 5 नंबर का। अब एक ये वाला भी करने जा रहे हैं, ठीक लास्ट टाइप का है, फिर 7.4 के हर टाइप के मैंने बता दिए, फिर हम लोग सीधे एक्सरसाइज पर आएंगे। चलो अब आप लोग अब देखो ये 2 टाइप के और क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में, क्या कि नीचे कोई भी क्वाड्रेटिक मिलेगी आपको क्योंकि क्वाड्रेटिक का ही हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर कर पाते हैं अभी तक, हाँ जिसकी पावर और जिसकी इसकी पावर 2 है, ऊपर जो भी आपको मिलेगा पॉलिनोमियल फंक्शन वो पावर 1 का होगा, लीनियर होगा वो, ये है ऐसा 7.4 में आपको यही मिलेगा, इधर भी सबको सेम अंडर रूट लगा, 2 ही टाइप के बन सकते हैं। तो यार अभी अब आप कहोगे सर इसका कंप्लीट स्क्वायर बना दो, हाँ बनाना पड़ेगा लेकिन ऊपर वाले को कहाँ लिए घूमोगे, तो नया फॉर्मेट और नए तरीके से सॉल्व होता है, वो क्या कहते हैं कि जो x + 2 है ना
चलो बताता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किया तो एक चीज़ बताई थी, किसी एक फंक्शन को लेट करो दूसरा वाला कैंसिल हो जाए, ठीक है। अभी तक ऊपर वन था लेकिन यहाँ वन नहीं है, अब क्या जुगाड़बाजी करेंगे कि इसको लेट करो ऊपर वाला कैंसिल हो जाए, लेकिन कैंसिल हो नहीं रहा है, क्यों करो इसका डिफरेंशिएशन, तो 4x प्लस 6 कैंसिल नहीं हो रहा है, हम उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि इसके डेरिवेटिव क्या प्लस माइनस कर दें कि ये कैंसिल हो जाए। तो मैंने कहा इसका जो डिफरेंशिएशन है, हम यही तो चाहते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन हो उसमें क्या मल्टीप्लाई या क्या कुछ ऐड करें जिससे कैंसिल हो जाए। तो मैंने कहा ए का मल्टीप्लाई कर दो, बी प्लस कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी, बस अच्छे से समझना, करो डिफरेंशिएशन 4x प्लस 6 और प्लस बी, इसको दे दो इक्वेशन वन, भूल मत जाना वरना वरना बच्चे फंस जाते हैं। जैसे ही डिफरेंशिएट करो इक्वेशन वन दे दो, क्यों आगे देखो x प्लस 2 करो अंदर मल्टीप्लाई 4ax प्लस 6a प्लस बी। अब कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग क्या x के आगे क्या है, यह x के आगे क्या 4a, तो 4a बराबर क्या हो गया 1, ए की वैल्यू क्या आ गई। अब कंपेयर करो, इधर कांस्टेंट क्या है 2, इधर कांस्टेंट क्या है 6a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 माइनस 3 बाई 2, तो ये आ गया 1/3, बी की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। और क्या चमका 1/2, 2 2 जा 4, 1/2, ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई। अब ये और ए की वैल्यू इक्वेशन वन में रख दो, जो मैंने बोला था याद रखना, तो ए की जगह क्या पुट कर दोगे और बी की जगह, क्या हम एक्स प्लस टू की जगह ये पुट कर सकते, एक बात सुनो इसको सॉल्व करो आएगा एक्स प्लस टू ही, कर लो सॉल्व आल्टो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब एक्स प्लस टू की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2, लिख सकते हैं अपॉन, क्लियर है। अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस कोई दिक्कत, मैं अलग अलग भी इसको लिख सकता हूँ। अच्छा ये 1/4 है इसे आगे लिख दो, ये 1/2 है इसे आगे लिख दो। अब देखो भाई साहब इसको लेट के ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, तो ये तो 1/20 हो गया और ये बन गया प्रीवियस क्वेश्चन, बनाओ कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या जमगा, इसलिए पहला वाला 3 का था और ये 5 लेंथ होगा, लेकिन लॉजिक अब ख़त्म हो गया। इसको लेट करो, इसको लेट करो, ठीक, और ये कैंसिल हो जाएगा 4x प्लस 6 dx बराबर dt, तो dx बराबर हो गया dt अपॉन 4x प्लस 6, ऊपर वाला कैंसिल हो गया, तो ये 1/4 1/t dt, तो 1/t का क्या होता है log t, तो log और t की जगह क्या पुट करेंगे 2x स्क्वायर, तो इसका तो आकाश हो गया आसानी से। अब इसका जैसे पहले किया था, अब इसका बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तो 2x स्क्वायर इसी लाइन को समझ लो अच्छे से। अब आगे 2 आ गया तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 4x स्क्वायर 12x प्लस 10 और 1/2। अब जो ये लाइन मैं लिखूँ इसको अच्छे से समझना, ये तो हो गया 2x का होल स्क्वायर, अब प्लस है प्लस लगाओ, 2 अपनी तरफ से लिख दो अपनी तरफ से, और जो इसके अंदर लिखा है ऐसे लिखो, कितना हुआ 2x, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, लाना क्या है, तो हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, और जिसका मल्टीप्लाई अलग से किया उसी का स्क्वायर करो, उसी का माइनस करो, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब ये माइनस का 9 प्लस का 10, 1 बचा प्लस का 1 का स्क्वायर, कर दिया से उसकी फॉर्मेट अब कर लो। तो 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे होंगे, एक के ऊपर 1 होगा और एक के ऊपर 2 होंगे, तो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब आप कहो सर ये कैसे करेंगे, अरे सब कुछ सेम है, ऐसे ही इसमें भी करना है, इसको x प्लस 3 को, x प्लस 3 को रखो a d ओवर dx इसके बराबर 5 माइनस 4x माइनस x इसका प्लस b, एकदम ऐसे कर, अंडर रूट का कोई झंझट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेंदी जाएंगे, मैंने एग्जांपल बेसिक बेसिक सारे आपको को करा दिए इंट्रो पार्ट में, अब कल करेंगे हम लोग एक्सरसाइज, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे,
कितने क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, सारे की तो मैं छोड़ देना, 25 तो किसी हालत में नहीं करूँगा इसमें, केवल करूँगा मैं 7 से 8 क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट है। एक जैसे यार इतनी कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा, ऐसे वीडियो बनेगा इसका 2-3 घंटे का। चलो